start our chapter number 14, Smart Chart. What is a Smart Chart? Smart Chart क्या होता है? Smart Chart में हम क्या करते हैं? कोई भी हमारे पास information हो, उसे collect करते हैं और उसमें रखते हैं. ये चीजें आप third में भी पढ़ चुके हो कि Smart Chart क्या होता है और किस type से हम बनाते हैं. तो कोई भी information हमारे पास हो, उसे हम collect करेंगे और एक table के form में उस chart में पूरी fill up कर देते हैं. और जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन जब भी हमें कोई पूछी जाए तो वो हम फटाफट बता देते हैं. तो ये ग्राफ के मेथड में भी होती है. जो भी होती है इंफॉर्मेशन हम उसे ग्राफ में भी ड्रॉ कर सकते हैं. पाई चार्ट जो होता है, चपाती जैसा जो चार्ट होता है राउंड वाला, वो भी हम उसमें देखने वाले हैं. तो क्या होता है स्मार्ट चार्ट? मीन्स हम जो भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते हैं तो वो स्मार्ट चार्ट में करते हैं. आप देखेंगे किस टाइप के स्मार्ट चार्ट में हम जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो हम एक्सरसाइज जैसे जैसे करेंगे आपको वैसे वैसे समझ में आएगा. तो यहाँ पे आप देखेंगे पेज नंबर 166 पे प्रिपेयरिंग फॉर द क्लास ड्रामा. एक क्लास है उसमें ड्रामा हो रहा है. तो ड्रामा में क्या होता है, सभी लोग डिफरेंट डिफरेंट जो है एक्टिंग करते हैं और क्या होता है उसमें बहुत सारे काम होते हैं वो सब करते हैं. तो किस टाइप से यहाँ पे बताया गया है देखेंगे. ऑल चिल्ड्रन ऑफ अ क्लास आर गेटिंग रेडी फॉर अ ड्रामा. सभी बच्चे जो है वो ड्रामे के लिए रेडी हो रहे हैं. सब चिल्ड्रन आर एक्टिंग. कुछ बच्चे जो है वो एक्टिंग कर रहे हैं. सब आर बिजी कलेक्टिंग द ड्रेसेस. कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, ड्रेस कलेक्ट कर रहे हैं. ड्रामे में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट जो है चीजें बनते हैं, सबकी अलग अलग ड्रेसेस होती है. सब आर ब्रिंगिंग टेबल्स एंड चेयर टू मेक द सेट. और कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, जो ड्रामे का सेट है उसे तैयार करने के लिए चेयर टेबल इसका सबका अरेंजमेंट कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं बच्चे, एक जो है ड्रामा बना रहे हैं स्कूल में. तो ड्रामे में क्या हो रहा है, कुछ बच्चे जो है एक्टिंग करने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, कुछ ड्रेसेस को कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ जो होता है ड्रामे का जो सेट है उसे बना रहे हैं, उसके लिए टेबल चेयर उसे कलेक्ट कर रहे हैं. अब देखेंगे यहाँ पे पेज नंबर 167 पे द ड्रामा चार्ट जो बना हुआ है ड्रामे का पहले से ही इसमें बना हुआ है. तो देखेंगे यहाँ पे हमने बनाया हुआ है द ड्रामा चार्ट. ड्रामे का चार्ट ये बना हुआ है. इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इस साइड में नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितने बच्चे जो है वो ड्रामे में पार्ट ले रहे हैं उनका नंबर है यहाँ पे. और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज है, क्या क्या कर रहे हैं वो एक्टिंग कर रहे हैं, कलेक्टिंग द ड्रेस, प्लेइंग म्यूजिक, म्यूजिक बजा रहे हैं कुछ कुछ, और मेकिंग द सेट, जो सेट बना रहे हैं वो उसके लिए कुछ बच्चे. अब देखेंगे जो भी ट्रायंगल यहाँ पे बना हुआ है, ट्रायंगल दिस फॉर थ्री चिल्ड्रन. वन ट्रायंगल जो होता है किसे शो कर रहा है, थ्री चिल्ड्रन को. अगर यहाँ पे टू ट्रायंगल बने हुए हैं इसका मीनिंग हुआ कि वन ट्रायंगल जो है वो थ्री चिल्ड्रन को शो कर रहा है. तो थ्री प्लस थ्री ये सिक्स चिल्ड्रन के लिए होगा. ठीक है, यहाँ पे हमें पहले ही ऑलरेडी बता दिया है कि वन ट्रायंगल दिस इज शो थ्री चिल्ड्रन. वन ट्रायंगल जो है वो थ्री चिल्ड्रन को शो करेगा. तो हम सबसे पहले ये चार्ट को अच्छे से समझ लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है. तो देखिए एक्टिंग फर्स्ट नंबर पे एक्टिंग. तो एक्टिंग में वन टू थ्री ट्रायंगल बने हुए हैं. तो थ्री ट्रायंगल यानी वन ट्रायंगल थ्री चिल्ड्रन के इक्वल है, सेकंड ट्रायंगल थ्री चिल्ड्रन के इक्वल है, एंड थर्ड चिल्ड्रन जो है ट्रायंगल वो थ्री चिल्ड्रन के इक्वल है. तो थ्री प्लस थ्री सिक्स, सिक्स प्लस थ्री नाइन. तो नाइन चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं. हमें यहाँ पे पता चल गया है कि एक्टिंग कितने चिल्ड्रन कर रहे हैं, नाइन चिल्ड्रन कर रहे हैं. अब कलेक्टिंग ड्रेस, तो यहाँ पे वन ट्रायंगल है थ्री एंड थ्री. तो ड्रेस कितने चिल्ड्रन कलेक्ट कर रहे हैं, सिक्स चिल्ड्रन जो है वो ड्रेसेस कलेक्ट कर रहे हैं. अब देखेंगे प्लेइंग म्यूजिक, म्यूजिक कितने बच्चे प्ले कर रहे हैं. तो यहाँ पे देखेंगे ये थ्री, दिस थ्री, थ्री एंड थ्री. तो थ्री प्लस थ्री सिक्स, सिक्स प्लस थ्री नाइन, नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व. ट्वेल्व चिल्ड्रन क्या करते हैं, प्लेइंग म्यूजिक, म्यूजिक बजाते हैं. ठीक है, ड्रामे में म्यूजिक भी होता है. तो वो कितने चिल्ड्रन कर रहे हैं, ट्वेल्व चिल्ड्रन. अब यहाँ पे देखेंगे वन ट्रायंगल टू ट्रायंगल, मेकिंग द सेट, सेट बना रहे हैं यानी टेबल चेयर सब लाके अरेंजमेंट कर रहे हैं. तो हाउ मेनी चिल्ड्रन, थ्री प्लस थ्री. तो सिक्स चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, मेकिंग द सेट. अब हमने जो ये ड्रामा चार्ट बना था उससे हमें पता चल गया कि कितने कितने चिल्ड्रन क्या क्या
का काम कर रहे हैं। तो देखिए ये 9 चिल्ड्रन एक्टिंग कर रहे हैं, 6 चिल्ड्रन कलेक्टिंग द ड्रेस कलेक्ट कर रहे हैं, 12 चिल्ड्रन म्यूजिक प्ले कर रहे हैं एंड 6 चिल्ड्रन है मैकिंग द सेट बना रहे हैं। अब ये जो ड्रामा चल रहा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं। तो देखेंगे आपने क्वेश्चन है हाउ मैनी चिल्ड्रन आर एक्टिंग इन द ड्रामा, ड्रामे में कितने चिल्ड्रन एक्टिंग कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन है हाउ मैनी चिल्ड्रन आर एक्टिंग इन द ड्रामा, ड्रामे में कितने चिल्ड्रन एक्टिंग कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा तो क्या चलेगा एक्टिंग 9 चिल्ड्रन, हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट का 9 चिल्ड्रन जो है वो एक्टिंग कर रहे हैं। तो क्या हाउ मैनी चिल्ड्रन आर एक्टिंग इन द ड्रामा, 9 चिल्ड्रन आर एक्टिंग इन द ड्रामा। अब बी नंबर क्वेश्चन है वी चालू कौन से ज्यादा है, चिल्ड्रन मेकिंग द सेट और दोस एक्टिंग, तो कौन से चिल्ड्रन जो है वो ज्यादा होंगे, क्या क्या पूछा गया है, चिल्ड्रन मेकिंग द सेट, सेट कितने चिल्ड्रन बना रहे हैं 6 एंड दोस एक्टिंग कितने चिल्ड्रन कर रहे हैं 9, तो कौन से चिल्ड्रन ज्यादा है, एक्टिंग करने वाले ज्यादा है या सेट बनाने वाले चिल्ड्रन ज्यादा है, हमें ये पूछा गया है। फिर से हम क्वेश्चन नंबर 2 रिपीट कर रहे हैं विच आर मोर चिल्ड्रन मेकिंग द सेट और दो एक्टिंग, कौन से बच्चे ज्यादा है जो एक्टिंग कर रहे वो कि जो सेट बना रहे वो, तो क्या आएगा एक्टिंग, दोस चिल्ड्रन आर एक्टिंग, जो चिल्ड्रन एक्टिंग कर रहे हैं उनका नंबर ज्यादा है पूछा जा रहा है, तो हमारा सेकेंड क्या आएगा दो चिल्ड्रन आर एक्टिंग, एक्टिंग वाले जो चिल्ड्रन है वो उनका नंबर ज्यादा है। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बीइंग डन बाय मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, व्हाट इज द बीइंग डन बाय मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, कौन सी इसमें से एक्टिविटी जिसमें सबसे अधिक चिल्ड्रन है, कौन सा वर्क कर रहे हैं सबसे ज्यादा चिल्ड्रन किस चीज में है, तो प्लेइंग म्यूजिक, जो म्यूजिक बजा रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा चिल्ड्रन है उसमें 12 चिल्ड्रन है, तो आंसर आ जाएगा हमारा थर्ड का प्लेइंग म्यूजिक, कलेक्ट करना है।
नोट करनी होगी और सभी को एक एक स्क्रिप्ट दे देनी होगी। सभी अपने हेड का मेजरमेंट कर लेंगे और वो स्क्रिप्ट को आपको क्या करना है, उस स्क्रिप्ट को फिर हमें मेजर करना है। ये स्क्रिप्ट जितने भी सेंटीमीटर की होगी वो हम मेजर कर लेंगे, सभी स्क्रिप्ट का हम मेजरमेंट कर लेंगे कि वो कितनी कितनी लॉन्ग है, फिर हम बता सकते हैं कि किसका हेड सबसे ज़्यादा यानी बड़ा है। आप बता सकते हो जिसकी स्क्रिप्ट सबसे लंबी होगी उसका हेड सबसे लॉन्गेस्ट होगा यानी बड़ा होगा, जिसकी स्ट्रिप सबसे छोटी होगी उसका हेड का मेजरमेंट कम होगा। तो फिर हम स्टेप से आपको बता सकते हैं और कितना है मेजरमेंट वो भी हम यहाँ पे बता सकते हैं। तो ये छोटी सी एक्टिविटी है, आप चाहो तो घर पे कर सकते हो। इसके लिए आपको एक ही साइज की स्ट्रिप्स को कट करना है और सभी मेंबर के हेड के मेजरमेंट करना है और फिर उसको स्केल से या किसी टेप से आपको मेजर कर लेना है कि किसकी स्ट्रिप कितनी लॉन्ग है। और फिर आप लास्ट में बता सकते हो कि जितने भी मेंबर है उसमें से सबसे बड़ा हेड किसका था, किसका सबसे छोटा हेड है। ठीक है, ये एक एक्टिविटी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जहाँ पे दिया हुआ है चपाती चा। यहाँ पे हमने ग्राफ वाला जो ये वाला चार्ट देखा था, अब हम जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो क्या है, चपाती चार्ट। इसे आगे जाकर देखते हैं पाई चार्ट भी कहते हैं। ये सर्कल वाला चपाती के डिजाइन वाला चार्ट है, इसमें हम इसे कहेंगे चपाती चार्ट। अब इसमें इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे चपाती चार्ट में ऑल चिल्ड्रन ऑफ अ स्कूल टेक पार्ट इन डिफरेंट क्लब। अलग अलग क्लब में सभी बच्चे हैं, तो कौन कौन से क्लब में है, गेम क्लब है, गार्डन क्लब है और ड्राइंग क्लब है। यहाँ पे चपाती चार्ट दिया हुआ है, उसमें थ्री क्लब है, गेम क्लब, गार्डन क्लब एंड ड्राइंग क्लब। तो गेम्स क्लब में क्या है कि चार्ट में जो चपाती चार्ट है उसका जो हाफ पार्ट है, देखिए कि चपाती चार्ट का जो हाफ पार्ट किया है, हाफ पार्ट में क्या हो गया है, हाफ पार्ट में क्या है, गेम क्लब। आप देख सकते हो पिक्चर में ये पूरे चार्ट का जो हाफ पार्ट है वो गार्डन क्लब में है। अब ये वाला हाफ पार्ट बाकी रहा, तो ये वाला जो पार्ट हो गया वो वन फोर्थ हो गया, तो वन फोर्थ पार्ट में क्या हो गया, गार्डन क्लब है। और ये पूरे पार्ट का वन फोर्थ पार्ट में क्या है, ड्राइंग क्लब है। क्या हो गया, कोई भी सर्कल होता है, ये सर्कल है, इसका ये हाफ पार्ट हो गया, हाफ हाफ पार्ट, हाफ पार्ट को फिर हम इस टाइप से करेंगे तो ये वन फोर्थ पार्ट होता है। वन फोर्थ पार्ट कैसा होता है, ये वन फोर्थ, वन फोर्थ, वन फोर्थ पार्ट, और ये हो गया वन बाय टू पार्ट। तो ये हो गया हाफ पार्ट, हाफ पार्ट मीन्स वन बाय टू पार्ट, एंड वन फोर्थ पार्ट इज गार्डन क्लब, वन फोर्थ पार्ट इज ड्राइंग क्लब, ये हो गया। अब देखते हैं इसमें क्या क्या कहा गया है। द चपाती चार्ट शो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन डिफरेंट क्लब। यहाँ पे चपाती चार्ट जो चार्ट है उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्लब के जो पार्ट है वो हमें दिखाए गए हैं। फ्रॉम द पिक्चर वी कैन सी दैट, पिक्चर किस टाइप का है ये देखेंगे, हाफ द चिल्ड्रन इन द क्लास टेक पार्ट इन द गेम क्लब। गेम क्लब में जो हाफ पार्ट है, हाफ जो है वो बताया गया है, एंड वन फोर्थ ऑफ द चिल्ड्रन आर गार्डन क्लब, एंड वन फोर्थ पार्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर ड्राइंग क्लब, ये हमें दिया गया है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं। अब यहाँ हमें बताया गया है इफ देयर आर 200 स्टूडेंट इन द स्कूल, अगर स्कूल में टोटल स्टूडेंट 200 है, ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट, 200 स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट 200 है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 200 का हाफ हो जाएगा 100 स्टूडेंट। क्या होगा, हाफ ऑफ 200 का अगर हम हाफ कर देंगे तो देखेंगे कि 2 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, 200 का हाफ अगर हम करते हैं तो क्या हो जाता है, 100, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें 200 को, तो डिवाइडेड बाय 2, 200 को 2 से डिवाइड,
100 का वन फोर्थ पार्ट निकाल लिया। तो हमें पता चलता है कि गेम क्लब में